नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और स्वागत है आपका आपके अपने आईटेक नॉलेज चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगा कि जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स की अपने को जरूरत पड़ती है। तो सारी बातें मैं एक एक करके बताऊंगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को स्किप ना करें। और दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी सबसे पहले ऐसे वीडियो की जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है कि अपन जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं उसमें मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र इनकी अक्सर जरूरत पड़ी जाती है। तो दोस्तों, इनको बनाना बेहद ही आसान है। वो किस तरीके से बनेंगे और किस किस डॉक्यूमेंट्स की अपने को जरूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमें आवश्यक दस्तावेज है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक आवेदन फॉर्म जिसकी अपने को ज़रूरत पड़ेगी। वो आवेदन फॉर्म कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों, ये जितने फॉरम है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ये फॉरम सेंड कर दूंगा। जैसा कि जाति प्रमाण पत्र का ये फॉरम है, दोस्तों इस फॉरम में यहाँ पे आपकी फोटो लगेगी और यहाँ पे डाक टिकट लगेगा 2 रुपए का, ठीक है दोस्तों। और ये जानकारी आप प्रार्थी का नाम आप भर लोगे, पिता का नाम भर लोगे और एड्रेस भरने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ आवेदक के साइन होंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 2 उत्तरदायी व्यक्ति के साइन होंगे, जो भी गवर्नमेंट गजेटेड अधिकारी है उनके दोनों के साइन होंगे सील सहित, और यहाँ पे पटवारी की रिपोर्ट होगी, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्म पूरा भरने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है, आधार कार्ड, पहचान पत्र लगाना है, अगर व्यक्ति बालिग है तो स्वयं का लगेगा, अगर नाबालिग है तो पिता का लगेगा, और दोस्तों अगर वो अपनी पत्नी का बनवाना चाहता है तो उस पति का पहचान पत्र लगेगा। दोस्तों बाद में 4 नंबर जन आधार की जरूरत पड़ेगी, जन आधार की कॉपी लगाना है, राशन कार्ड की कॉपी लगाना है, मार्कशीट लगाना है और जमाबंदी लगानी है, ठीक है दोस्तों। ये प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हो। और मूल निवास के लिए अपने को जिस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवेदन फॉर्म है, आधार कार्ड चाहिए, पहचान पत्र चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए और मार्कशीट चाहिए, अगर मार्कशीट नहीं है तो उसका एफिडेविट बनेगा, जमाबंदी चाहिए, आय का दस्तावेज चाहिए अपने को जिसमें आय प्रमाण पत्र, और अगर वो ITR पड़ता है तो ITR फॉर्म 16 नंबर की कॉपी चाहिए, और हस्ताक्षर चाहिए नगर पालिका, ग्राम पंचायत, अगर आप नगर पालिका सिटी से आते हो तो नगर पालिका पार्षद के साइन होंगे, और ग्राम पंचायत में तो सरपंच के होंगे, और व्याख्याता गवर्नमेंट टीचर के साइन होंगे, बाद में पटवारी की रिपोर्ट होगी। ये सब कराने के बाद में आप आवेदन फॉर्म को ई मित्र पे सबमिट करा सकते हो। तो दोस्तों, उसके बाद में आपको जैसे मूल निवास के लिए आवश्यक दस्तावेज है उसकी जरूरत पड़ेगी, आवेदन फॉर्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र, यदि नाबालिग है तो उसका जैसे 5वीं क्लास में है तो वो बालिग है, 18 साल से कम उम्र का है तो उसके पिता का चाहिए, 18 से ज़्यादा है तो उसके स्वयं का चाहिए, और वो अगर अपनी पत्नी का बनवाना चाहता है तो पति का चाहिए। उसके बाद में जन आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, मार्कशीट चाहिए, और मार्कशीट नहीं है तो एफिडेविट बनेगा, और मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी चाहिए अगर वो अपनी पत्नी का बनवा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आप जो भी आवेदन करना चाहते हो उस फॉर्म में अपने को इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जितने भी आपको जिस भी आवेदन फॉर्म की जरूरत है जैसे मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट,
ईडब्ल्यूएस फॉर्म, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और जैसे ये मूल निवास का है, यहाँ पे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साइन होंगे, दो गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। उसके बाद में अगर वो बालिग होगा तो यहाँ पे साइन करके हो जाएगा, और नाबालिग है तो उसके पिताजी साइन करके यहाँ पे एफिडेविट बन जाएगा और नोटरी करवा लेना है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।